मैचले के पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इनोसेंट जीरो वेल्बर की काफी ज्यादा बुरी हालत कर देता है, लेकिन तभी वहां पर होती है एंट्री मैश की, जो कि इनोसेंट जीरो के लात मार के वेल्बर को बचा लेता है और कहता है कि मैं अपने मुक्के से ही अपने से ताकतवर दुश्मन को ही खत्म कर दूंगा। हम लोग को पता चलता है कि मैश अपने पैरों को इतना ज्यादा तेजी से चला रहा होता है जिसकी वजह से वो आसमान में उड़ पा रहा होता है। और अब दूसरी तरफ हम लोग रियो को देखते हैं जो कि गेल्डो से कहते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जो स्पेशल मैजिक वेल्बर ने लगाया था वो गायब हो गया है। तो गेल्डो कहते हैं कि इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है और वो है इनोसेंट जीरो। लगता है उसने अपने टाइम मैजिक से टाइम को रिवाइंड कर दिया है। ये सुनकर रियो से कहता है कि तुम यहाँ पर संभालो और मैं जाकर वेल्बर को बचाता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और होप कर रहा होता है कि वेल्बर सेफ हो। वहीं पर वेल्बर मैश से कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इनोसेंट जीरो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो सुनकर मैश कहता है कि मुझे संस्कार दिए गए हैं कि मुझे बूढ़े लोगों की मदद करनी चाहिए और उनके प्रति दयालु होना चाहिए। ये सुनकर वेल्बर काफी शौक हो जाते हैं। वहीं पर इनोसेंट जीरो कहते हैं जैसे मैंने मैश से एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही है ये, तो मेरे बेटे मैश में काफी खुश है कि तुम मुझे यहाँ पर मिलने आए हो, चलो अब मेरे साथ चलो। ये सुनकर मैश अब उसे काफी अजीब रिएक्शन दे रहा होता है और कहता है क्या। वो देखकर इनोसेंट जीरो कहते हैं ठीक है, इसका मतलब मुझे तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाना होगा। लेकिन उससे पहले ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज करके वेल्बर को एक मैजिक के अंदर फंसा देता है और वो डार्क मैजिक में वेल्बर को फंसाता है और कहता है कि मैं दूसरों के मैजिकल एबिलिटीज को चुरा सकता हूँ और मैंने हमारे मास्टर के भी डार्क मैजिक को चुरा लिया है और अब वेल्बर मैं तुम्हारे मैजिक को चुराऊंगा। वहीं पर हम लोग मैश को देखते हैं जो कि डार्क मैजिक से वेल्बर को बाहर निकाल लाता है। वहीं वेल्बर की हालत काफी बुरी हो जाती है, जिसके बाद अब इनोसेंट जीरो कहता है काफी लेट हो गया मैश, जिसके बाद हम लोग इनोसेंट जीरो को देखते हैं जो कि अब वेल्बर के ही मैजिक को यूज करने लगता है। ये देखकर वेल्बर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है। तो इनोसेंट जीरो कहते हैं नहीं ऐसा हो सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो स्पेस सैक्रिफाइस को यूज करके पीछे के एक पहाड़ के ऊपर हमला करता है और वो पहाड़ अब बीच में से गायब हो जाता है। ये देखकर वेल्बर कहते हैं कि ये तो मेरा मैजिक है और लगता है कि इनोसेंट जीरो के पास मुझसे ज्यादा मैजिकल कैपेसिटी है। जिसके बाद अब इनोसेंट जीरो कहते हैं कि मुझे इस दुनिया पर राज करने की ताकत मिल गई है, ये दुनिया अब मेरी है मैश, अब अगली बारी तुम्हारी है, तुम अब मेरे होगे। ये सुनकर वेल्बर अपने मन में कहते हैं कि तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर इनोसेंट जीरो के हाथों में मैश लग गया तो हमारी सारी होप्स खत्म हो जाएंगी। वहीं पर मैश को गुस्सा आ जाता है और वो इनोसेंट जीरो को काफी ज्यादा मुक्के और लाते मारने लगता है। और तो और इनोसेंट जीरो मैश के मुक्के को भी पकड़ लेता है और मैश ही कहता है कि इससे तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो मैश के ऊपर डार्क मैजिक से हमला करता है और उसके पैर को पकड़ लेता है, लेकिन अब मैश भी जल्दी से अपनी ताकत का यूज करके उससे बच जाता है और दूर आ जाता है। ये देखकर इनोसेंट जीरो मैश से कहते हैं तो तुम्हें समझ आ गया कि हमारी ताकत के अंदर कितना डिफरेंस है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा मैश। वो ये बात बोल ही रहा होता है तभी अचानक से उसे दर्द होने लगता है और अब वो अपने मैजिक को भी यूज नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर मैश कहता है कि इसे क्या हुआ। तो वेल्बर कहता है कि शायद से इनोसेंट जीरो के जो मैजिकल पावर है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसकी बॉडी हैंडल ही नहीं कर पा रही है, ताकत पाने के लिए उसे ये प्राइस पे करनी पड़ रही है। वेल्बर अब याद करते हैं कि इनोसेंट जीरो ने कहा था कि वो बस एक परफेक्ट ह्यूमन बनना चाहता है जो कि काफी पावरफुल हो और कभी मरे ना। वेल्बर अब समझ जाते हैं कि इनोसेंट जीरो को मैश इसलिए चाहिए ताकि वो एक ऐसी फिजिकल बॉडी पा सके जिससे कि वो सारी मैजिकल पावर को होल्ड कर सके। वहीं अब इनोसेंट जीरो मैश से कहते हैं कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो, तुम बस मेरे एक इंग्रेडिएंट हो, तुम्हारा मकसद बस मुझे और ज्यादा ताकतवर बनाना है। वो सुनकर वेल्बर उसे कहते हैं कि तुम कौन होते हो ये बोलने वाले, मैश अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ही लेगा। ये सुनकर मैश भी कहते हैं हाँ मैं अपने डिसीजन खुद लूंगा। ये सुनकर इनोसेंट जीरो कहता है तुम मजाक कर रहे हो क्या, ऐसे इंसान जो कि मैजिक यूज कर नहीं सकते हैं वैसे भी वो इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। एडम जोस काफी लंबे समय तक इस मैजिकल दुनिया पर रूल करता रहा, वो हमेशा नोब्लेस ऑब्लिज के बारे में बात करता रहता था, लेकिन अंत में उन लोग के लिए डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं खत्म कर पाया जो कि मैजिक यूज नहीं कर पाते थे। ये बात तो मैं वेल्बर से भी कह सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वेल्बर की पावर का यूज करके वेल्बर के ऊपर ही हमला करने वाला होता है, जिसे देखकर वेल्बर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं बची है, मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। तो अब इनोसेंट जीरो उनके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर मैश जल्दी से वेल्बर को बचा लेता है, जिसे देखकर वेल्बर हैरान होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि मैश इस तरीके से अभी भी मूव कर सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो अभी भी हम लोग डेस्परेट सिचुएशन में हैं, इनोसेंट जीरो काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी मैश कहने लगता है कि कितनी कन्वीनियंट कहानी है, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है और इस दुनिया का बेस्ट मैजिक यूजर जो कि इनोसेंट जीरो है वो कितना यूजलेस है, अपनी मसल से उसे हराने में मजा आएगा और फिर दुनिया मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। ये सुनकर इनोसेंट जीरो से कहता है कि तुम्हें लगता है गलतफहमी है, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। वेल मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी बॉडी को और ताकतवर बनाने के लिए, अभी मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर वेल्बर कहता है कि ये तो इतनी इजीली से जा रहा है। तभी इनोसेंट जीरो रुकता है और कहता है कि हम लोग हमारी बैटल को बाद में फिर से खत्म करेंगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो अपनी पावर्स को यूज करता है और अब हम लोग को एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनोसेंट जीरो का जो मैजिक होता है वो पूरी तरीके से फैल जाता है और वहाँ पर वो जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो खत्म होने लगते हैं। ये देखकर मार्गरेट कहते हैं कि हम लोग इन मॉन्स्टर्स को हरा चुके थे तो वो इन सभी को ट्रांसफर क्यों कर रहा है। ये सुनकर कैल्डो कहते हैं कि इन सबके पीछे इनोसेंट जीरो की कोई प्लानिंग होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि एकेडमी से जितने भी मॉन्स्टर्स गायब हुए वो अभी एक साथ आने लगते हैं और अब वो एक काफी बड़े मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। ये देखकर कैल्डो कहते हैं ओ तो इनोसेंट जीरो ने जितने मॉन्स्टर्स को हम लोगों ने हराया उन सभी को एक साथ इकट्ठा करके ये बड़ा
बड़ा मॉन्स्टर बना दिया। वहीं पर इस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर मैश कहता है कि ये क्या है। वहीं इनोसेंट जीरो मैश से कहता है कि तुम काफी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है, देखते हैं कि अगली बार तुम मुझे बिना मैजिक के कैसे हराते हो। ऐसा बोलने के बाद इनोसेंट जीरो वहां से चला जाता है। वहीं पर अब वेलबर्ग मन में सोच रहे होते हैं कि इनोसेंट जीरो ने जो ये बड़ा सा मॉन्स्टर बनाया, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये पूरे टाउन को तबाह कर सकता है, वो भी इंस्टेंटली। तभी अब वेलबर्ग की पूरी मैजिकल पावर खत्म हो जाती है और उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे गिरे होते हैं तभी वहां पर रियो आ जाता है, जो कि अपनी पावर को यूज करके वेलबर्ग को पकड़ लेता है। रियो अब वेलबर्ग की इंजरीज को देखने लगता है और कहते हैं कि हम लोग को आपको हॉस्पिटल में ले जाना होगा जल्दी से जल्दी। वहीं पर वेलबर्ग थोड़े से बेहोशी में होते हैं और वो कह रहे होते हैं मैश अपना ख्याल रखना, ऐसा बोलकर वेलबर्ग बेहोश हो जाते हैं। वहीं पर अब रियो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मैश उसे पहले पहुंच गया यहाँ पर। वो अब कहने लगता है मैश तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम वेलबर्ग को ढूंढ लोगे तो मुझे जरूर बताओगे, लेकिन तुमने नहीं बताया। वैसे मानना पड़ेगा मैश तुम सही में कमाल के हो, जिसके हम लोग को दिखाया जाता है कि एकेडमी के ऊपर से इनोसेंट जीरो का टाइम स्टॉप मैजिक हट जाता है, जिसके बाद अब सभी बच्चों को होश आ जाता है और अब वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। ये देखकर कैल्डो कहते हैं कि परेशानी हो गई, टाइम स्टॉप मैजिक लगता है रुक गया है। अब सभी लोग इस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर पैनिक करने लगेंगे। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं सभी बच्चे काफी घबरा जाते हैं उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर और सोचने लगते हैं कि ये क्या है। वो मॉन्स्टर अब उन्हीं की तरफ आने लगता है। ये देखकर एबल समझ जाता है कि ये सारा काम इनोसेंट जीरो का है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर एकेडमी के ऊपर मुक्का मारता है। इसकी वजह से कुछ पत्थर के टुकड़े उड़कर उन स्टूडेंट्स के ऊपर गिरने वाले होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग गए। तभी हम लोग को लेंस को दिखाया जाता है, जिसे उसकी बहन दिखाई देती है। उसकी बहन उसे कहती है बड़े भाई मेरी मदद करो। ये सुनकर लेंस अपनी पावर को यूज करता है और उन पत्थरों को रोक लेता है और सभी की जान बचा लेता है और कहता है कि मेरी छोटी बहन हमेशा मुझे ताकत देती है। तभी मार्केटी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर को यूज करके उन सभी पत्थरों को तोड़ देता है, जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकलो। ये सुनकर सभी स्टूडेंट अब बाहर की तरफ जाने लगते हैं, पर अब वो बड़ा सा मॉन्स्टर भी उन लोगों के काफी करीब आने लगता है। ये देखकर फिन कहते हैं कि हम लोग इस बड़े से मॉन्स्टर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं। तो अब डॉट कहते हैं कि भले ये मॉन्स्टर कितना ही बड़ा हो मैं इसे हराऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन अब उस मॉन्स्टर के सामने एक बैरियर आ जाता है, जो कि डॉट के अटैक को रोक लेता है और उस मॉन्स्टर को बचा लेता है। ये देखकर डॉट कहता है कि ये क्या हुआ। तो कैल्डो से वहां पर आकर बताता है कि तुम्हारे अटैक को मैजिक नेलीफाई बैरियर ने रोक दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑटर ने सेल्वोर के ऊपर हमला किया था, लेकिन सेल्वोर के ऊपर एक बैरियर आ गया था। लगता है इनोसेंट जीरो का एक कास्टर जो कि इस बैरियर को लगा रहा है वो यहीं आसपास है। अगर हम लोग उसे नहीं हराएंगे तो इस मॉन्स्टर के खिलाफ मैजिक काम नहीं करेगा। इस समय पर ऑटर उस कास्टर को ढूंढने गया हुआ है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो कास्टर छिपा हुआ है। अभी के समय पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं जाकर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर रहा हूँ। ये सुनकर डॉट कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। दूसरी तरफ हम लोग सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो लोग गेट से बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो देखते हैं कि गेट तो बंद है। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं। वहीं पर मार्गेटे को दिखाया जाता है, जो कि लेंस से कहता है कि क्या तुम नहीं भाग रहे हो। तो लेंस कहते हैं नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं इस मॉन्स्टर को रोक कर रहूंगा। ये सुनकर मार्गेटे कहते हैं ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। वहीं पर अब डॉट को दिखाया जाता है, जो कि कैल्डो के साथ कहीं पर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो कास्टर कहाँ पर है। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसे चलता रहा तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद अब सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, वो सभी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग नहीं मरना चाहते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब उन सभी लोगों के पास आ जाता है और उन सभी को मारने वाला होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग अब मारे जाएंगे। वहीं पर इस चीज को कैल्डो भी दूर से देख रहा होता है और कहते हैं कि हम लोग टाइम पे वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे और सभी स्टूडेंट्स को नहीं बचा पाएंगे। तभी वो मॉन्स्टर सभी बच्चों के ऊपर मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। ये देखकर फिन और बाकी सभी स्टूडेंट अब सोचने लगते हैं कि आखिर ये रुक क्यों गया, और तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ खींचने लगता है। ये देखकर अबिस कहते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई मैजिक यूज कर रहा है। तो एबल कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बैरियर सारे मैजिक को नलीफाई कर देता है। तभी फिन और लेमन सामने आते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, और अब वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस मॉन्स्टर को मैश रोक रहा है, वो भी उस मॉन्स्टर की चेन को पकड़कर। वो देखकर फिन मन में सोचता है मैश जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे हमेशा ऐसा फील हुआ है, लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो ये पूरा पागलपन है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि मैश उस चेन को खींच रहा होता है तो मॉन्स्टर भी उस चेन को खींच रहा होता है। ये देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मैश है जो कि उस मॉन्स्टर को रोक रहा है, और मैश तो उस मॉन्स्टर के साथ टग ऑफ वॉर खेल रहा है, लेकिन क्या ये सही है? वो तो मैजिक यूज कर ही नहीं सकता है, तो क्या कोई ऐसा पर्सन स्कूल में टॉप कर सकता है? हम लोग ऐसा नहीं अलाउ होने दे सकते हैं। इस दुनिया के अंदर उन लोग की कोई भी जगह नहीं है जो मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं हम लोग मैश को देखते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर की चेन को खींचने में इतनी ज्यादा ताकत लगा देता है कि उसकी हाथों में से खून भी आने लगता है। ये देखकर स्टूडेंट कहने लगते हैं कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि तुम मैजिक यूज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो? इस समय पर मैश हम सभी लोगों के लिए और स्कूल के लिए लड़ रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर हम लोग के लिए लड़ रहा है। सभी बच्चे अब एक साथ मिलकर मैश को कहने लगते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम उस मॉन्स्टर से जीत सकते हो। सभी लोग अब मैश को चेयर कर रहे होते हैं, जिसे देखकर फिन हैरान हो जाता है और कहते हैं कि मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था। मैश जिसे हमेशा स्कूल में नीचा दिखाया जाता था और जिसे स्कूल से एक्सपेल किया जाता था क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता है, आज वही पर्सन इस दुनिया के रूल को चेंज कर रहा है, उस दुनिया के अंदर जहाँ पर मैजिक सब कुछ है। हम लोग अब देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स मिलकर अब मैश को चेयर अप कर रहे होते हैं, जिसे देखकर फिन भी चिल्लाकर मैश से कहता है कि तुम ये कर
सकते हो। वो सुनकर महेश के अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर की चेन को खींचकर उस मॉन्स्टर को हवा में उड़ा देता है और उस मॉन्स्टर को दूर पीछे एक पहाड़ पर फेंक देता है और उसे खत्म कर देता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर अफीन महेश के पास आता है और कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जिसके बाद लेमन भी महेश के पास आती है और महेश से कहते हैं कि तुम काफी कमाल के हो अपने हस्बैंड के ऊपर, मुझे काफी ज्यादा गर्व है। ऐसा बोलने के बाद वो महेश को किस करने वाली होती है, पर महेश उसे किस करने की जगह क्रीम पफ खाने लगता है। ये देखकर लेमन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग वेल्बर को देखते हैं जिनकी आंखें खुलती है और वो देखते हैं कि उनके सामने तो रियो होता है। रियो अब वेल्बर को बताता है कि महेश ने कर दिखाया। ये सुनकर वेल्बर काफी रिलीफ फील करते हैं और मन में कहते हैं नो ब्लेस ओब्लाइज, इस दुनिया में ये टाइटल तुम्हें ही मिलना चाहिए महेश, तुम इसके सबसे ज्यादा हकदार हो। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।